ग्रीम्स लॉ एंड वर्नर्स लॉ दोनों रिलेटेड है इन हिंदी एंड इंग्लिश. सो सिंपल, बहुत आसान है. एक बार पहले पोस्ट किए थे लेकिन हैक हो गया, फिर हम करें. ग्रीम्स लॉ एंड वर्नर्स लॉ को बहुत सिंपल तरीके से हम समझा रहे हैं. देखिए, मेरा नाम है विजय, मेरी मम्मी और मेरे पिता मुझे विजय कहते थे. विजय नहीं, विजय. मेरा एक बंगाली दोस्त है, वो मुझे विजय पुकारता है. तो ये सब है साउंड चेंज. ग्रीम्स और वर्नर इसी चेंज इन साउंड को समझाते हैं. ग्रीम्स कौन था? गुरु था. वर्नर था चेला. लेकिन स्टूडेंट ही गुरु को मात कर दिया. स्टूडेंट ही ज़्यादा तेज निकल गया गुरु से. आप लोग भी हमसे तेज निकल गए. कैसे? अब समझिए ग्रीम्स लॉ. अब ग्रीम्स लॉ को हम समझाते हैं. सम कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट कौन हुआ, बी सी डी एफ जी, बावल से छोड़कर, हैव चेंज साउंड. कुछ कॉन्सोनेंट साउंड बदल दिए. जैसे मेरा नाम है, कैसे साउंड चेंज हुआ है? अकॉर्डिंग टू ग्रीम, भ, ये बी एच ए भ है, बिकम्स ब. ये ब हो गया, ब को या हिंदी में ब लिखे. एग्जाम्पल, भ्राता संस्कृत में भ्राता है, बिकम्स इंग्लिश में हो जाता है ब्रदर. तो क्या हो गया? भ बदल के हो गया ब, ब्रदर. एग्जाम्पल दीजिएगा तो समझ से जाइएगा. अब देखिए और क्या होता है, और साउंड चेंज क्या होता है. ध, ये ध है, ध बिकम ड, ये ड हो जाता है. एग्जाम्पल, मध्या, ध है बिकम्स, ये मध्या संस्कृत में है, बिकम्स मिडिल, ड हो गया इंग्लिश में. घ बिकम्स ग. एग्जाम्पल, घनसा संस्कृत में घ है, बिकम्स गूस, ग हो गया. घ बदल के ग हो गया, घ बदल के ग हो गया. दिस कैन बी रिटन एज, इसको कैसे कर सकते हैं शॉर्ट में, भ ढ घ, ये बदल के क्या हो जाता है, ब ड ग. समझ रहे हैं? इसको सबको फॉलो कीजिएगा, इसे आप समझ जाइएगा. हमारे पेज टू में हम आ गए. थैंक यू जानू. ठीक है, सब आ रहा है? यस सर. अब देखिए, ब बिकम्स चेंजेस टू प. जैसे ठीक है, कुब्जा, क है यहाँ पर, कुब्जा चेंजेस टू हिप, प. ब बदल के हो गया प, ब बदल के प हो गया, ब बदल के यहाँ पे कुब्जा, ब बदल के प हो गया. इसे एग्जांपल देते हैं सर. हाँ, डी ड चेंजेस टू ट, जैसे डुओ, डुओ लैटिन हो गया, डुओ लैटिन बिकम्स टू, ड बिकम्स ट, टू डुओ हो जाता है, टू ड टू. इसी यही यही सही पैरा बदल बदल के नया नया एग्जाम्पल दिया. ग बिकम्स क, गऊ संस्कृत में है, बिकम्स काउ इंग्लिश में. समझे? ये साउंड चेंज हुआ है. काउ, ग बदल के क हो गया, गऊ हो गया काउ. उच्चारण अधिक, यहाँ पर क्या है, प्रोनंसिएशन देख नहीं देखेगा, प्रोनंसिएशन देखना है, स्पेलिंग नहीं देखना. लिखने में सी है लेकिन होता है काउ. तो ग बदल के क हो गया, ग बदल के क हो गया. ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज, कैसे लिखे, ब ड ग. तो ब बदल के प हो जाएगा, ड बदल के ट हो जाएगा, ग बदल के क हो जाएगा. समझ रहे हैं? ये सब से रिलेटेड है, ये जो है इससे रिलेटेड है. ठीक है, अब देखिए, पदा संस्कृत बिकम्स फुट, प बिकम्स फ, प बदल के फ हो जाता है. त्रयस संस्कृत बिकम्स थ्री, ट बदल के थ हो जाता है. ठीक है, अब देखिए, केंटुम लैटिन बिकम्स हंड्रेड, क बिकम्स ह. तो इसको किसे कर रहे हैं, प ट क हो जाता है, प फ ट हो जाता है, थ क हो जाता है, ह. हिंदी में देने से समझने में आसान है. तो ये जो है इससे रिलेटेड है. अस्तित्व कीजिएगा, समझ जाइएगा. ठीक है, पढ़ना उलटते. थैंक यू दोनों. अब देखिए क्या करना है. अब करना क्या है, द चेंजेस इन साउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई दिस सर्कल. इस सर्कल से आप चीज को चेंज करिए. जैसे सर्कल बना दीजिए ऐसे करके, यहाँ पर लिखिए प ट क, हिंदी में प ट क. अब ये चेंज क्या हो जाए, प बदल के हो जाता है ह, ट बदल के हो जाता है थ, क बदल के हो जाता है ह. और फिर क्या होता है, ह बदल के हो जाता है ब, थ बदल के हो जाता है ड, ह बदल के हो जाता है ग.
तो आपको इसी तरह रट्टू रट्टा मारना है, पटक पठक पथह बटक। हम भी इसी के, हम भी स्टूडेंट थे जब करते थे उसको रट्टा मारा। आपको भी रट्टा मारना पड़ेगा, कविता बना बना के याद करना। अब ना आप देखिए, अब चले आइए वर्नर था। ग्रीम्स लॉ वर्नर्स लॉ रिलेटेड है। वर्नर्स लॉ समझाने के लिए आपको ग्रीम्स लॉ पहले करना पड़ेगा, और अच्छा आंसर में ग्रीम्स लॉ दे दिखी है, कुछ हल्का रेफरेंस आपको वर्नर लॉ को देना, तो दे आर रिलेटेड। हम इसीलिए एक ही आंसर में दोनों को लिख दिए। अब ना वर्नर्स लॉ रिकंसिडर द वर्ड कैंटम, कैंटम पर फिर विचार कीजिए। कैंटम बिकम्स हंड्रेड, कैंटम बदल के हंड्रेड हो गया। द चेंज फ्रॉम कॉ टू हो इज अकॉर्डिंग टू ग्रीम्स लॉ। कॉ से जो हो गया कैंटम हंड्रेड हो गया, वो तो ग्रीम्स लॉ एक सौ यहाँ शिफ्ट कर गया, एक वन शिफ्ट कर गया। ये चेंज फ्रॉम कॉ टू अकॉर्डिंग टू, बट ये इंपॉर्टेंट फर्क देखिए, बहुत अंडरलाइन किया। बट द चेंज फ्रॉम टॉ टू डॉ डज नॉट फॉलो ग्रीम्स लॉ, लेकिन टॉ से जो ये है टॉ से थॉ होना चाहिए, लेकिन यहाँ से छलांग मार के यहाँ चलाता है। तो कहते हैं डबल कॉन्सोनेंट शिफ्ट, टॉ थॉ नहीं होकर डॉ हो जाता है, समझे। बट द चेंज फ्रॉम टॉ टू डॉ डज नॉट फॉलो ग्रीम्स लॉ। वर्नर एक्सप्लेन्स द डिफिकल्टी, वर्नर जो है उसका चेला जो है वो गुरु का डिफिकल्टी को समझाते हैं। वर्नर क्या कहता है, वर्नर्स लॉ सेज दैट इफ द कॉन्सोनेंट पॉटॉक कम्स आफ्टर एन अनएक्सेंटेड सिलेबल देर इज अ डबल कॉन्सोनेंट शिफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको समझिए। वर्नर एक्सप्लेन्स दिस डिफिकल्टी, वर्नर्स लॉ सेज दैट इफ द कॉन्सोनेंट पॉटॉक कम्स आफ्टर एन अनएक्सेंटेड सिलेबल देर इज अ डबल कॉन्सोनेंट शिफ्ट। टॉ बिकम्स डॉ नॉट थॉ, टॉ बिकम्स डॉ, टॉ को होना चाहिए तो थॉ, क्योंकि नहीं होगा क्या एक छलांग मार के डबल कॉन्सोनेंट, ये नहीं कि यहाँ चला गया। बिकम डॉ डबल कॉन्सोनेंट, टॉ बिकम्स डॉ नॉट थॉ। जैसे कैन टुम देखिए, कैन अनएक्सेंटेड है, अनएक्सेंटेड के बाद ये टॉ आया, तो टॉ डबल कॉन्सोनेंट शिफ्ट होगा, तो ये जो है टॉ थॉ नहीं होकर डॉ हो जाता है। टॉ जो है थॉ नहीं होकर टॉ हो जाता है, टॉ को थॉ होना चाहिए, थॉ नहीं होकर डॉ हो जाता है, इसको कहते हैं डबल कॉन्सोनेंट शिफ्ट, डबल शिफ्ट। एक नहीं यहाँ ये टॉ यहाँ नहीं को डबल बन जाता है, समझे। अभी मेरा लगता है लास्ट पेज होगा, हाँ ठीक है लास्ट पेज, थैंक यू। इन 1875 वर्नर पब्लिश्ड हिज डिस्कवरी एन एक्सेप्शन टू द फर्स्ट कॉन्सोनेंट शिफ्ट, एक्सेप्शन ही दिया, अनएक्सेंटेड रहा तो डबल मारेंगे। सर वर्नर सॉल्व्स सम ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ हिज टीचर ग्रीम, तो वर्नर जो है अपने गुरु की कुछ कठिनाइयों को दूर करता है, उसी तरह आप मेरी कठिनाइयों को दूर करते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।